गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मु सोनाली स्वागत करुच्छे मो चैनल बायोलॉजी विथ सोनाली। तो आज आम देखा गोटे नुआ टॉपिक एसएसबी ओडिशा जूलॉजी लेक्चरशिप यूनिट 5 रो प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आशा रखुच्छी तुमको क्लास निहाती भाव में भल लगे। भल लगे मो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो पसंद थे लाइक और शेयर कर। जो मैंने भी आज मो चैनल नुआ अच्छ जदि मोर प्रीवियस एसएसबी कौन क्लास देखीना तालो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देवी जो थे तुम प्रीवियस क्लास गुड़क देखिपार। पीसीआर टेक्निक बा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एकदम छोट टॉपिक गोटे, किंतु लोक लगे बा स्टूडेंट मानक लगे बहुत बड़ बड़ वाइटल टॉपिक केमती करवा कौन करवा कौटू क्वेश्चन आसो कि ना एकदम इजी। मुझे भावुची मोर विश्वास भी अच्छे मुझे तुमको ये पूरा क्लीयर करदेवी। तो देख प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ पीसीआर बा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कौन आम जानवा। तो बेसिकली एको प्रथम किए डिस्कवर करते कैरी मोलिस डिस्कवर करते ठीक अच्छे। तो पीसीआर फुल फॉर्म कौन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ठीक अच्छे। तो यहाँ कौन ये गोटे टेक्निक एमती टेक्निक जोटा कि कौन जोटा कि मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ठीक अच्छे। बेसिकली ये टेक्निक रे कौन करा जाए बहुत गुड़ाक कॉपी तैयारी करा जाए पर डीएनए फ्रेगमेंट रु। तो आम यहाँ तुम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जानले जे बहुत गुड़ाक डीएनए फ्रेगमेंट आम तैयारी पारू, किंतु आम केमी करें भेक्टर हेल्प नौले गोटे ऑर्गेनिज्म रो हेल्प नौले से प्लांट हो बा मामालियन हो बा आम कौन प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तर आम हेल्प नहीं कि डीएनए फ्रेगमेंट तैयारी करते। किंतु पीसीआर टेक्निक व्यवहार करके आम केमी इनविट्रो टेक्निक रे आमे कौन करी परिबा तुमरो मल्टीपल कॉपी तैयारी करी परिबा। इनविट्रो माने कौन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करी हला ये गोटे एमती ये होची इनविट्रो मुझे लिखी दूची तुम लिखी पारो मुझे लिखी ना जेहेतु कही दूची बट लैबोरेटरी रे आमे एई प्रकार डीएनए फ्रेगमेंट मल्टीपल कॉपी आमे तैयारी करी परिबा। तो सेति पे हमको कौन दरकार केमी आमे टेक्निक को व्यवहार करबा यार बेसिक प्रिंसिपल कौन। तो सबुठ प्रथम आमको चारिटा जिनस दरकार। कौन चार्टा जिनस गोटे हूँ डीएनए टेम्पलेट निहाती भाव गोटे डीएनए टेम्पलेट दरकार जोठू कि आम डीएनए रो मल्टीपल कॉपी तैयारी करी पारिबा हैला। तेणु सबुठ प्रथम आमको डीएनए टेम्पलेट दरकार। सेकेंड हूँ पॉलीमरेज एंजाइम दरकार। एठे आम को पॉलीमरेज एंजाइम व्यवहार करुचु थर्मोस एक्वाटिकस नामक जो बैक्टेरिया अच्छी तार टैग पॉलीमरेज को आम एठार पॉलीमरेज एंजाइम हिसाब से व्यवहार करुचु। एबे देखो टैग पॉलीमरेज ही आम कहीं नेलु कारण जिते पीसीआर टेक्निक आग स्टार्ट करवा तो हीट पखापाखि 95 डिग्री सेल्सियस पर्यंत टेम्परेचर तुम बढ़ीज। तो ये टेम्परेचर को रेजिस्टेंस करने आमको थर्मस एक्वाटिकस जो अच्छी तार टैग पॉलीमरेज एंजाइम बहुत हेल्प दरकार कहीं सी ही एकमात्र एक कंट्रोल करीट कहीं तार हिट रेजिस्टेंस थाए। तो सेकेंड जिनस कौन जाणीगल तापर देख नेक्स्ट हूँ आम कौन न्यूक्लियोटाइड दरकार निहाती भाव जेहेतु आम डीएनए टेम्पलेट रू मल्टीपल कॉपी बाहर कर न्यूक्लियोटाइड दरकार। आउ लास्ट कौन प्राइमर। अच्छा ये प्राइमरटा कौन ये प्राइमर हूँ गोटे न्यूक्लिक एसीड पीस है गोटे न्यूक्लिक एसीड पीस किंतु ये केमी जे कि तुम डीएनए टेम्पलेट थ्री डैश बा थ्री प्राइम एंड कॉम्प्लीमेंटरी होइथिबो ठीक अच्छे। कॉम्प्लीमेंटरी टू थ्री डैश एंड बा थ्री प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए अर्थात मैं टी बुझे भल्कि मन कर टेम्पलेट डीएनए अच्छी ए टेम्पलेट डीएनए आम जानचु गोटे एपटे जब थ्री प्राइम थाए एपटे थ्री प्राइम सेमती थ्री प्राइम अपोजिट एपटे फाइव प्राइम थाए फाइव प्राइम। तो प्राइमर गोटे यही प्रकार गोटे न्यूक्लिक एसिड सिक्वेन्स जीक थ्री प्राइम को कम्प्लीमेंटरी कर कम्प्लीमेंटरी मैंने कौन तुम जान जदि थ्री प्राइम ड्रेस रे तुमर अच्छी ए मनकर ए टी ए प्रकार किसी गोटे अच्छी है सी ए प्रकार अच्छी तो यार कम्प्लीमेंटरी कौन हो निहाती ए रपोजिट्रे टी री रपोजिट्रे ए रो ए रपोजिट्रे टी टी रपोजिट्रे ए सी रपोजिट्रे जी थाए। एटा तुम समस्ते जान आडेनाइन थायरोसिन गुआनाइन आउ साइटोसिन है। तो यही प्रकार आम गोटे प्राइमर एमती दरकार जी कि तुम बेसिकली थ्री प्राइम कम्प्लीमेंटरी होगा इसकी आम जान लो। तो चार जिनस दरकार तो केमी आम स्टेप
तो फर्स्ट साइकिल देखो ये बारंबार रिपीटेड प्रोसेस ये रिपीट चली थो तेणु प्रथम साइकिल जो आम देखा जो जो साइकिल ले तार तीन टा भाग भाग कर स्टेप तो फर्स्ट स्टेप डी नेचुरेशन तो डी नेचुरेशन मान कौन डी नेचुरेशन हूँ टेम्परेचर ये 95% सरी 95 डिग्री पर्यटन चली जाए टेम्परेचर तार जो 95 डिग्री आम देद सांगे सांगे कौन हो डीएनए स्ट्रैंड जो थोड़ा सेपरेट हो तो कौन हम टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड हम सेपरेटेड टू ईच अदर तो ये मुझे स्ट्रक्चर भी बताई देख डीएनए दुईटा गोड़े गोड़े किना अच्छी जो आम टेम्परेचर को 95 डिग्री सेलसीयस पर्यटन नहीं गले सांगे सांगे कौन है डीएनए स्ट्रैंड अलग हो गला क्लीयर है इतनी दूर तापर सेकेंड देख एमिलिंग एमिलिंग कौन एमिलिंग हूँ देख जेतेबेले तुम्हारे टेम्परेचर आम पाखापाखि 55 रु 65 डिग्री सेलसीयस पर्यंत आणबा अच्छा एटा बहुत जगार बहुत गुड़ाक बही मु तुम्हारे 50 रु 70 मध्य देखी है मुझ एनसीईआरटी रु कहि 55 रु 65 डिग्री सेलसीयस पर्यंत कि एमती भी अगर बही 50 रु 70 डिग्री पढ़ी तेणु तुम ये जाथ कौ कौ जगार कौ प्रकार क्वेश्चन अच्छे मानने आसूच तुम जान बहुत जगार बहुत प्रकार तुम थाए है तुम देख ये जगह मुझे कहीदेगी तुम जो 95 कर 93 रु 95 मध्य पढ़ी है तेणु आम तुम देख जो प्रकार क्वेश्चन आसी तुम ये तो तुमको लिखा ना तुम एमसीक्यू क्वेश्चन देखिक तुम जान तो डीनेचर केम्परेचर अच्छे जो से पढ़ला तुम अप्सन रु देखिए सिलेक्ट कर 95 मुझे जानी बहुत गुडाक बहुत 93 रु 95 भी लिखाई है एमिलिंग फिफ्टी फाइव रु 65 पढ़ी बहुत गुड़ाक 50 रु 70 भी लिखाई से जहाँ भी हो टेम्परेचर तुम 55 रु 65 डिग्री रहा यही समय कौन हो जाए तुम जो प्राइमर था से जाना 3 प्राइम एंड रेकिना आटाच हो जाए है तो देख ये मुझे देख ये तुम टेम्पलेट डीएन अच्छी यार 3 प्राइम एंड आसिक देख प्राइमर आसिक आटाच हो गला तुम जान प्राइमर हूँ तुम डीएनए टेम्पलेट कम्प्लीमेंटरी अच्छा बर्तमान ये आटाच हो गए कौन हम सांगे सांगे ये कौन हम एठ तार सिंथेसिस स्टार्ट कर ये कौन हम एक्सटेड होदि ये कौन हम तुम आसिक एमिलिन आसिक प्राइमर आटाच हो गला आटाच हो गला मान कौन हम ये तुम डीएनए टेम्पलेट अच्छी ये गोटे डीएनए टेम्पलेट अच्छी एटी गोटे प्राइमर लगेगा एटी प्राइमर लगेगा ये सांगे सांगे कौन कर प्राइमर एक्सटेनसन होगा स्टार्ट कर अर्थात ये कौन हम एठ तार तार सिक्वेन्स गुड़िक लगे स्टार्ट करपटे ये सिक्वेन्स स्टार्ट कर ता मैंने कौन आम दीटा कपी पाईले है गोटे सैकल आम दीटा डीएनए रपी आम पाईले तो देख एक्सटेनसन कौन हो जाए देख एक्सटेनसन कौन हुए यही समय टेम्परेचर 72 डिग्री थाए मुसी जगह 70 डिग्री सेलसीयस भी पढ़ी है तो डिपेंड करो प्रकार आते मत कह मैडम आपको कही ना आप निजे जाणी ना एमती भी छुआ ब्लेम करा तेणु मुझे तुम सबूतक मन रख है तर देख न्यूक्लियोटाइड एक्सटेंड हो केमी एक्सटेंड हम डीएनए पॉलीमरेज रो हेल्प तुम जान डीएनए पॉलीमरेज रो काम कौन जी कि तुम न्यूक्लियोटाइड को कौन कर दे सिंथेसिस करी एक्सटेंड कराए तो न्यूक्लियोटाइड तुम सिंथेसिस एक्सटेंड हम है को प्रकार डीएनए पॉलीमरेज डीएनटीपी न्यूक्लियोटाइड सॉरी डीएनए पॉलीमरेज तुम एक्सटेंड करने को साहय कर अर्थात ये तुम दुईटा डीएनए टेम्पलेट अच्छी एटी प्राइमर अच्छी प्राइमर कौन हम डीएनए पॉलीमरेज लगे ये कौन करपटे एक्सटेंड कर ये एपटे एक्सटेंड कर अर्थात आम डीएनए फ्रैगमेंट सब या तो यही प्रकार एटा प्रथम साइकल यही साइकल आम रिपीट करे एगेन एंड एगेन अच्छा एगेन आउ एगेन जब रिपीट कला तेल कौन हाँ मल्टीपल कपी पाई बुझे मल्टीपल कपी आम पाईले से अच्छा यहाँ मन रख यहाँ कौन आप्लाय कर कौटे आप्लिकेसन यार कौन मुझे लिखीदी यार आप्लिकेसन कौ कौ जगह आप्लिकेसन होता है मुझे लिखीदी है तुम्हें तो लिख कौ कौ जगह आप्लिकेसन हुए प्रथम तो जेनेटिक डिसऑर्डर म्यूटेशन तुम होता है आम कौटी आप्लाय कर जेनेटिक डिसऑर्डर से जगह आम यही प्रकार पीसीआर टेक्निक रे आम हेल्प साप टीस्यू टाइपिंग है जोटा जो ऑर्गन डोनेशन सेकेंड हूँ ऑर्गन डोनेशन जो प्रकार टीस्यू हो प्रकार आम ऑर्गन को कौन कर डोनेट डोनेसन करगान डोनेसन अच्छा तापर कौन हो देख तुम मन रखी था कैंसर थेरापी व्यवहार कर जाए सिक्वेन्स ओनकोजिन्स
हला सीक्वेंस ऑन्कोजेन्स हला ऑन्कोजेन ऑन्कोजेन माने कोन जोठी तमरो कोन हुए तमरो जोडा जोडा जे हमें कोन करू किछो दे कैंसर होचे से कैंसर रो दो थेरापी करा जाय हला इंडिविजुअल जो कैंसर रो थेरापी करा जाय सी जगह हला कि तुम लिखि पारो आउ मधे कोन करा जाय पारे एचआईवी हो बा तमरो टीबी परी हो रोग होइथो एथि पय भी डिटेक्टर पर से सहाय्य करे हला ये डिटेक्टर पर सहाय्य करे डीएनए फिंगर फिंगर प्रिंटिंग रे मधे सहाय्य करे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हला बट लिखिबा भूलली बोली हला डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हला तो एथिरे मधे सहाय्य करे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग रे सहाय्य करे तो दुटा तुम जानि छै कोनसी प्रकार क्राइम हला कि फोरेंसिक फोरेंसिक किछ जदि रिसर्च हला बा क्राइम जदि किछ उडा हला क्राइम लोकेशन रे हला ताले सेठी हबो अच्छा ए गुडा कला तुमरो कोन इयारो एप्लीकेशन मतलब को को जगह ताको अप्लाई करि पारिबा हमें हला बा प्रिंसिपल तरो बेसिकली ए सॉरी एप्लीकेशन प्रिंसिपल को एप्लीकेशन हला तो हमें बेसिकली पीसीआर टेक्निक कोन जानले आशा रखु तुमको वीडियो पसंद आसीबो नेक्स्ट क्लास रे गुडा नुवा टॉपिक आनिबा थैंक यू।